डीप फेक करके एक चीज़ आ गई है जहाँ पे आप लोग मतलब लिटरली लोगों के वीडियो बनाए जा सकते हैं जैसे मेरा ही ना फेस तो है ही इंटरनेट पे मुझे ही यूज़ करके मेरी आवाज भी इंटरनेट पे है उसका यूज़ करके लोग ऐसा वीडियो जैसे आपने बोला ना पैसे मांगना सर उसके बहुत सारे मायने हैं आपको एक अनोन अननोन नंबर से एक वीडियो कॉल आएगा जैसे आप उसको पिक करोगे दो सेकेंड अंदर फोन काट भी देगा हाँ ये वाली चीज़ मेरे साथ भी हुई है उसके बाद आपको बीस पच्चीस मिनट आधे घंटे के बाद एक वीडियो सेंड करते हैं जिसमें फेस आपका होगा लेकिन उसके नीचे एक पूरा कोई भी एक न्यूड बॉडी का वो लगा देंगे अच्छा okay. हाँ और इसको बोलते हैं okay. इससे वो आपसे पैसा निकलवाएंगे वो आपको okay. कॉल करेंगे फिर ऐसा है जी हमने आपकी ये वीडियो देखी हमने आपका वो आ गया या तो हमको पचास हजार रुपए भेज दो अदरवाइज हम इस वीडियो को लीक कर देंगे फिर वॉइस क्लोनिंग वीडियो क्लोनिंग आज के दिन इतना ज्यादा चल रहा है आपको एक फोन आएगा आपकी वाइफ या आपके डैड या आपके मोम वो बन के आपसे बात करेंगे कि बेटा मेरे को है ना अभी एक लाख रुपए चाहिए और आप जल्दी से भेज दो यार वो वॉइस क्लोनिंग इस तरह से करते हैं कि आपको सही में लगेगा कि योर डैड इज़ कॉलिंग यू और आपको आप उनके अकाउंट नंबर में या जो भी अकाउंट नंबर बताएंगे कि यार मैं बाहर हूँ और बेटा मेरे को इतने पैसे की जरूरत है तू भेज दे मेरे खत्म हो गया फिर मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया आप उस केस में जनरली क्या करोगे आप भेज दोगे पैसे और वहीं पर आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हो कई लॉयर्स ऐसे होते हैं जैसे आई डोंट वॉन्ट टू नेम लेकिन जो पच्चीस पच्चीस तीस तीस लाख एक सिंगल हेयरिंग के लेते हैं तो ऐसे भी लॉयर्स हैं

गर जी वेलकम टू डी पॉडकास्ट सो आज का पॉडकास्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि पहली बार मैं एक लॉ से रिलेटेड बात है हमें ना क्रिएटर्स यूजुअली ना लॉ से काफ़ी मतलब वो रहता है हमें पता ही नहीं रहता है लॉ ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज़ें से स्टार्ट करते हैं जो ज़्यादातर क्रिएटर्स मतलब लॉ के बारे में नहीं जानते हैं अगर आप ऐसा कुछ बात है और जिसके जैसे से मे बी प्रॉब्लम भी होती है क्रिएटर्स को ऐसा कुछ है आपके कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत सारे लॉस के बारे में नहीं पता होता है तो बहुत बार कई सारी प्रॉब्लम्स आती है जो उनको फेस करनी पड़ती हैं जैसे एक छोटा सा भी एग्जाम्पल लूं कि कई बार जैसे अगर आप यूट्यूब का चैनल चलाते हो तो दिस इज योर मेन सोर्स ऑफ इनकम और आई कैन से दिस इज योर दिस इज योर करियर दिस इज योर पैशन खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाए कि कोई कोई किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी का यूट्यूब चैनल हैक हो जाए तो ऐसे में आपको अगर लॉस के बारे में नहीं पता होगा ऐसे में आपको यह नहीं पता होगा कि वट वट स्टेप शुड वी हैव टू टेक नाउ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती उस केस में ओके okay, तो अगर किसी का चैनल हैक हो जाता है फॉर एग्जांपल तो क्या करना चाहिए लॉ क्या बोलता है उस हिसाब से देखिए सर सबसे पहले तो कंप्लेन कीजिए hmm. पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट कीजिए कि जी ये, ये मेरा यूट्यूब चैनल है ये मेरा पूरा आप उनको आईपी एड्रेस सब कुछ आपका सब सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेंगे और आप उनको बताइए कि इस टाइम पे ऐसे करके मेरा यूट्यूब चैनल हैक हुआ था और मुझे नहीं पता है क्या है सबसे पहले कंप्लेंट वो दर्ज कराइए okay. क्योंकि उससे क्या होता है ना कोई भी जो हैकर है वो आपके अकाउंट का मिस ना करे अगर सपोज किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है तो क्या करता है सबसे पहले पुलिस थाने में जाके कंप्लेन दर्ज कराता है ताकि कि भाई कोई मेरी गाड़ी का मिस ना कर दे कोई किसी को उड़ा ना दे कोई किसी को मर्डर बहुत सारी चीजें होती, होती हो है ना तो यही चीज है कि आपके अकाउंट को हैक करके उसका कोई भी किसी भी तरह से मिसयूज कर सकता है गलत चीजें पोस्ट कर सकते हैं। जो बाइडन को मेल कर दे आ, और उसको गले लिख के भेज दे कुछ भी हो सकता है ना एनी थिंग कुड बी पॉसिबिलिटी तो सबसे पहले जाके आप कंप्लेंट दर्ज कराएं मेरा ये मानना होता है ऐसा कुछ हुआ है मतलब कोई इंसिडेंट ऐसा जहाँ पे हैक हो गया बहुत सारे बहुत सारे वेबसाइट से लेके आपके ई मेल आईडी से लेके आपके यूट्यूब चैनल से लेके बहुत सारी चीजें हैक होती है बहुत सारा जो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस है ना वो सिर्फ यूट्यूब तक सीमित रहती है वो जो आपको जो रूल्स बताते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं वो वहीं तक सीमित रहते हैं वो आपको एक्चुअल जब आपके साथ कोई घटना घटित होती है उस चीज में आपकी हेल्प नहीं करेंगे वो और अगर करेंगे तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी तब तक आपको बहुत मोटा खासा अच्छा खासा नुकसान हो चुका होगा तो कोई एक ऐसा example, आपके दिमाग में कोई कोई केस आ रहा है पर ऐसा क्रिएटर था जिसका हैक करके कुछ सच में कुछ गलत चीज हुई और उसको लॉस हाँ देखिए ओपन प्लेटफॉर्म पर नाम तो नहीं लेना चाहूंगा नहीं लेकिन चाहूं। हाँ एक कॉन्टेंट क्रिएटर था और जिसके करीब करीब दस लाख के आसपास पास वन मिलियन फॉलोअर्स थे उसका अकाउंट हैक कर लिया वेस्ट बंगाल में ओके तो उनका उन्होंने कांटेक्ट किया सर ऐसे ऐसे हुआ मैंने सबसे पहले मैं क्या कंप्लेंट दर्ज कराओ और इन द मेन वाइल जब तक वो कंप्लेंट दर्ज हुई तब तक वो करीब करीब ये लगा लो काफ़ी लोगों को मेल्स वगैरह लिख चुका था और काफ़ी लोगों को सेक्शुअल कंटेंट तक भेज चुका था उसके उसके प्रॉपर अकाउंट से तो ऐसी ऐसी चीज़ों से बचने के लिए अगर मैं अपना खुद का बताऊँ तो मेरा फेसबुक अकाउंट है और उस पर क्या हुआ एक दिन मैं कोर्ट जा रहा था एंड वेन आई वॉज पार्किंग माई कार तभी मेरे को कॉल्स पर कॉल आना चालू हुए मैसेजेस व्हाट्सएप इतने सारे आने लगे एंड आई आई वाज क्वाइट स्केर्यर कि एकदम क्या हो गया भाई आराम से यार आराम से बंदा बेल करवाने जा रहा है किसी को रिलीफ दिलवाने जा रहा है आराम से कोर्ट में जा रहा है तभी एक का फोन उठाया तो पीछे से कॉल पे कॉल कॉल पे कॉल लेसे आ रहे हैं एंड ही वॉज लाइक कि भाई तेरा अकाउंट हैक हो गया है तू पैसे वैसे मांग रहा है क्या हमसे मैं क्या भाई ऐसा तो कुछ, कभी कुछ नहीं किया मैंने तभी मैंने सबसे पहले जाके अपने अकाउंट को उसको चेंज किया पासवर्ड को चेंज किया इन द मीन वाइल जो भी हैकर था जो भी था वो करीब करीब हजार से बारह सौ लोगों के आसपास मैसेजेस भेज चुका था okay. और उनसे पैसे भी मांग चुका था मतलब इट जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कि ये नहीं पता कि उनके पास क्या एक एक स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है स्ट्रक्चर रहता है हाँ, कि वो किस तरह से वो उसको हैक करते और किस तरह से वो आपको कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं राइट right. और यार बड़े-बड़े हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लॉयर से पांच पांच हजार दस दस हजार रुपए मांग रहा है मैं कहा जो भी था जैसा भी था मैं साले कुछ मेरी इज्जत तो रख लेता कुछ तो एक दो लाख कुछ तो मांगता पांच लाख कुछ तो मांगता राइट बट ऐसे ऐसे चीजें आप आ, देखने को मिलती है मैंने तुरंत उसकी कंप्लेट दर्ज कराया पता चला आया कहीं से कोई आईपी एड्रेस निकला कोई बैंगलोर साइड से किसी ने हैक किया था एंड वो फिर ऑल एफर्ट्स वेंट इन तो उस पे काम होता है बहुत धीरे धीरे होता है ये चीज मैंने नोटिस की है बहुत ये वाला आपने जो स्कैम बोला ना ये वाला बहुत होता है कि लोग आजकल ए भी बहुत चल रहा है ए आई सर ए आई सर ए आई मैं आपको सही बताऊं ए आई जितना हेल्पफुल है ना उससे कहीं ज्यादा हार्मफुल भी है और हो भी सकता है आपका जो फोन है ना आपका फोन आपको लगता है कि आपके लिए सेफ है बट ये सेफ है नहीं मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताऊंगा दो तीन महीने पहले की बात है मेरे को एक मेरे को नया नया जोश चढ़ा कि मैं आई विल बेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग आई विल डू दिस एंड दैट एंड जो भी है मैं पाँच बजे का अलार्म भर के आ, मैं मतलब पाँच बजे का अलार्म भर के सोता मैं एक दिन उठा दो दिन उठा तीसरे दिन आई वाज लाइक यार कल देखेंगे ठीक है नहीं उठ पाया तो वही नौ दस बजे जब उठा नौ बजे उठा ये अपनी छुट्टियों के दिन थे जब कोर्ट भी समर वैकेशन्स पे थे तो मैं नौ दस बजे जब उठा तब जब से सबसे पहले मैंने जब यूट्यूब चलाया ना तो उस पर सबसे पहले लिखा आया कि सुबह पाँच बजे उठने के फायदे तो मेरा फोन जो है वो क्लॉक के साथ भी मैनेज कर रहा था कि ये सुबह बंदा सुबह पाँच बजे से उठ रहा है एक दिन क्या हुआ एक दिन मैं और माय uh, डैड ऐसे हम दोनों बैठे थे और वी व डिस्कसिंग अबाउट द कार्स ये यार कौन सी कार लें एम जी हैक्टर लें या टाटा हैरियर लें या कौन सी लें एक घंटे के आसपास पास एक घंटे के बाद मेरे इंस्टाग्राम पे एम हेक्टर का Uh, वो ऐड आने लग गया तो इसका मतलब यार आपका अकाउंट आपका आप सिक्योर तो हो ही नहीं ना वॉइस क्लोनिंग वीडियो क्लोनिंग किसी भी तरह का आप एआई के थ्रू क्राइम होते हैं ए के थ्रू राइट अब ये जो डीक डीप फेक करके एक चीज़ आ गई है जहाँ पे आप लोग मतलब लिटरली लोगों के वीडियो बनाए जा सकते हैं जैसे मेरा ही ना फेस तो है ही इंटरनेट पे मुझे ही यूज़ करके मेरी आवाज़ भी इंटरनेट पर है उसका यूज़ करके लोग ऐसा वीडियो जैसे आपने बोला ना पैसे मांगने उसके बहुत सारे मायने हैं

देखो ऐसा है जी हमने आपकी वीडियो देखी हमने आपका वो गया या तो हमको पचास हज़ार रुपये भेज दो अदरवाइज हम इस वीडियो को लीक कर देंगे और जनरली कई बार लोग इतने जो इमेज कॉन्शियस होते हैं जी, देखो होता भी है हम और आप जैसे लोग भी सोचेंगे यार हमारा इतना कोई एक सोशल प्लेटफॉर्म पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर कोई ऐसी चीज़ जाती है तो ऑब्वियसली इमेज तो टार्निश होती है या फिर हम वी आर अफ्रेड कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसे केस में सर कभी घबराना नहीं चाहिए सबसे पहले जाके कंप्लेंट करो और उसके बाद उसको कहो कि भाई तुझे जो करना है ना तू जो जो है उखाड़ ओके वो कुछ करेगा भी वो आपके फेसबुक से आपके इंस्टाग्राम से आपके क्लोज वंस को निकालेगा और उनको वो वीडियो सेंड भी करेगा वो भी आपको कॉल बैक करेंगे कि भाई ये क्या चल रहा है व्हाट इज दिस तब भी उनको बोलो कुछ नहीं है घबराने की जरूरत नहीं है दिस इज जस्ट अ क्लियर कट केस ऑफ एक्सट्रोशन एंड नथिंग एल्स और उसके और फिर उसके जो इरादे हैं वो परस्त हो जाते हैं और फिर वो एज सच वो कुछ वो नहीं करते तो ये ये स्कैम्स अभी ए आई के जैसे तो और बढ़ने वाले हैं मुझे लगता है आने वाले टाइम में तो इसके लिए कुछ ऐसा प्रिकॉशंस हम लोग रख रख सकते जैसे कि आप बोल रहे हो अन नोन नंबर से फ़ोन आया हाँ तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं कि यार अन नोन नंबर से फोन आया हाँ। तो फोन, फोन उठाने का ही नहीं है नो अनोन नंबर, नंबर, नंबर से फ़ोन उठाना ही नहीं वॉइस वॉइस क्लोनिंग वीडियो क्लोनिंग आज के दिन इतना ज़्यादा चल रहा है आपको एक आपको एक फोन आएगा आपकी वाइफ या आपके डैड या आपके मोम वो बन के आपसे बात करेंगे कि बेटा मेरे को है ना अभी एक लाख रुपए चाहिए और आप जल्दी से भेज दो यार आपको सही में लगेगा कि वो पापा का ही कॉल है और आप वो ही विल मेक श्योर कि अच्छा अच्छा इधर उधर वो वॉइस क्लोनिंग इस तरह से करते हैं कि आपको सही में लगेगा कि योर डैड इज़ कॉलिंग यू और आपको आप उनके अकाउंट नंबर में या जो भी अकाउंट नंबर बताएंगे कि यार मैं बाहर हूँ मैं जयपुर गया हूँ घूमने मैं दिल्ली गया हूँ घूमने या कहीं पे भी और बेटा मेरे को इतने पैसे की जरूरत है तू भेज दे मेरे खत्म हो गया या फिर मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया आप उस केस में जनरली क्या करोगे आप भेज दोगे पैसे और वहीं पे आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हो राइट right. ये अलग इसके ऊपर मैंने एक अभी रिसेंटली न्यूज़ भी पढ़ा था जिसमें ना यही ऐसा ही कुछ हुआ था कि एक आदमी था मतलब कोई आईटी का बंदा था उसको किसी पुराने दोस्त का कॉल आया अचानक से वो भी वीडियो कॉल आया था आई थिंक सो और उस वीडियो पर उसने बोला कि भाई मेरे को पैसे की ज़रूरत है और दे और इट वॉज़ बाद में मालूम पड़ा कि वो फेक था वो ए आई से बनाया गया था और बस यही यही तो चल रहा है सर यही है और बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है और आपने जो बोला कि यार कुछ भी कभी इशू होता है तो हम डायरेक्टली जाके पुलिस स्टेशन पे कम्प्लेट करें तो उसके कुछ नंबर्स भी होते हैं जो फोन नंबर्स या जहाँ पे जाके सर, आप फोन नंबर से करें तो वन नाइन थ्री जीरो नंबर होता है ओके और उससे भी बढ़िया है आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाइए आई विल रिपीट नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या फिर साइबर क्राइम डॉट जी ओ वी डॉट इन आप इस पर जाके लॉग इन कीजिए और आप उस पर ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करा दो वहीं पे बैठे बैठे अब अपन यहाँ पे बैठे हैं ठीक है अपन यहां से कौन सा नियर थाना कौन सा लगता है वीबी वीबी नगर 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 ऐसा वी है वीपी वी हाँ। अच्छा वेस्ट वी वी वेस्ट मुंबई हाँ। अब अपन वहां तक जाएंगे आपका आपके साथ कुछ भी फ्रॉड हुआ है अपन वहां तक जाएंगे ट्रांजेक्शन सील नहीं होगी या ट्रांजेक्शन हो चुकी है वहां तक जाएंगे वो आपसे पूरे क्वेश्चन पूछेंगे अच्छा कहां से आए हो आप सबसे पहले तो पुलिस वाले विल मेक श्योर कि वेदर दिस दिसन एग्जिस्ट और नॉट अच्छा क्योंकि कोई अपने ऊपर काम नहीं लेना चाहता हाँ। वो ये कहेंगे अच्छा ये पैलेडियम तो उस मॉल तो उस वाले उसमें आता है अच्छा ये उसमें आता है ऐसे भी कह सकते हैं और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे अच्छा किसी पे शक किसी पे ये किसी पे वो आप कब आप क्या कर रहे थे आपको कैसे लगा आप ये साइबर फ्रॉड हुआ है आपसे कैसे पैसे मांगे इतनी रिपोर्ट अभी नहीं देने का सबसे पहले अपना पूरा कागजी काम में जाने से बजाय सबसे पहले आप अपने आपको अपना यू हैव टू मेक श्योर कि आपका केस रजिस्टर हो जाए आपकी जो शिकायत है वो कंप्लेन दर्ज हो जाए उसके बाद अगर आपने ऑनलाइन आपने रिपोर्ट uh, दर्ज कराई उसके बाद क्या होगा कि जो भी आपका कंसर्ट थाना लगेगा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है आपके कंसर्न थाने में आपकी कंप्लेंट को पहुंचाएगा फिर दे विल कॉल यू बैक देन एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ऑफिसर विल बी अपॉइंटेड देन दे विल कॉल यू एंड फिर वो आपको बताएंगे कि हां जी आ जाओ थाने क्या क्या हुआ है आपकी रिपोर्ट आ गई है तब तक ये होता है कि आप सेफ साइड पर चलते हो

आज आपके दिन में आपको फोन करूं कि हाँ जी सर आपके पास एक ओ टीपी आएगा आप नहीं बताओगे यार आपके ए टी एम के पीछे एक सी बीवी नंबर होगा वो बता दो नहीं आप नहीं बताओगे बता बता हाँ। तो तो जितना इवोल आप लोग होते हो उतना इवोल साइबर फ्रॉड होते हैं हाँ। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा हाँ। वो चाहे कितने भी तेज हो जाए सरकार से सरकार से तेज नहीं हो सकते सरकार सही कह रहे हो ना सही मायनों में वो कौन सा है धर्मेंद्र जी का डायलॉग सरकार तो प्योर है तो सर बिल्कुल ये बात है Okay. सरकार से बढ़ नहीं हो सकते तो लोग पकड़े जाते हैं पक्कार? बिल्कुल पकड़े जाते हैं जी कैसे भी करके आओ कितना भी वो करो इतना भी होता है कि आप बैठे हो मुंबई में आपको कॉल आया जामतारा या अपना झारखंड से बंदा बैठा होगा वेस्ट बंगाल में सिम रजिस्टर्ड होगा बेंगलोर में पकड़ लो कैसे पकड़ोगे बट सरकार इतनी तेज है सर पुलिस इतनी तेज है साइबर क्राइम फिर भी पकड़ लेती है कि क्या आप आप दस लाख का पंद्रह लाख का बीस लाख का कोई सॉफ्टवेयर ले आए पचास लाख का सॉफ्टवेयर ले सरकार पाँच करोड़ का सॉफ्टवेयर लाएगी फिर आपको पकड़ेगी कैसे उससे कैसे बचोगे वो आपको लोकल डिलीवरीज करवाते हैं सरकार विदेशों से वो लेके आती है है ना आप उनसे नहीं बच सकते राइट पकड़े तो लोग जाना है पकड़े तो जाना तो 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 ही है उसका।, उसका कोई एंड नहीं है हाँ कभी देरी हो सकती है लेकिन एंड तो है पकड़े तो जाओगे ओके तो अभी कुछ लेटेस्ट में कुछ स्कैम्स आए हैं जो आपको लग रहा है जो लेटेस्ट लोगों को पता होना चाहिए जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक स्कैम के बारे में पढ़ा था कि डिलीवरी करते हैं लोग आपके मतलब ऐसी नॉर्मल डिलीवरी आ जाएगी पैकेज आ जाएगा और उसमें वो बोला आप, आपकी डिलीवरी नहीं रहती है तो फिर फिर भी बोले बोलते अच्छा ठीक है आपकी डिलीवरी कोई नहीं बट ना आपको एक ओटीपी आएगा ओटीपी द्वारा रिटर्न करवा दो कस्टमर केयर का सा फोन करके कर करने का उसको बोलना अच्छा वो आया है हाँ। कोई पार्सल आया भाई अपने पास ही रखो मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया ओ आएगा मैं नहीं दे रहा देने का ही नहीं है उसको क्या कर लेगा क्या कर लेगा अगर वो वो बेचारा डिलीवरी बॉय है कई बार ये होता है डिलीवरी बॉय को भी नहीं पता कि ये पीछे से ये स्कैम चल रहा है ये गलती नहीं है कि कभी आप उसी की गुद्दी पकड़ लो आजा भाई तू ही आजा तू ही है साइबर फ्रॉड उसकी गलती नहीं होती कई बार क्योंकि अमेजोन फ्लिपकार्ट और ये सारी जो चीज़ें हैं इन पर कई बार क्या होता है कि आप जो डिलीवरी डिलीवरी बॉय है वो अपनी तर, अपना फेयर काम कर रहा है उसको पता नहीं होता कि पीछे से क्या गेम खेला जा रहा है क्या मालूम उस पर्टिकुलर लोकेशन का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की चीज़ों को लेके होल्ड उन्होंने उसको हैक कर रखा हो और उसके ओटीपी टी पी वहाँ पर जाए और उसके साथ फ्रॉड हो जाए अब आप ये लगा लीजिए जैसे दिल्ली गुड़गांव साइड भी ये होता है अगर कोई वाइन शॉप है वो रात को 10 11 12 बजे के आसपास बंद हो गई है ठीक है अब यार दोस्त बैठे हैं सपोज उनको तीन बजे लगा कि यार हमारा तो स्टॉक खत्म हो गया अब कुछ और करना अब कुछ और मंगवाएंगे तो कई बार क्या करते हैं उन्होंने सपोज फोन मिला दिया डिस्कवरी वाइन्स पे या किसी पे भी लेक फॉरेस्ट वाइन्स पे किसी पे साइबर फ्रॉड्स क्या करते हैं डिस्कवरी वाइन्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उन उनका नंबर होता है आप फोन करोगे कि हाँ जी भैया हमको ये भी जो भी प्रोडक्ट आपको एल्कोल वाइन या बियर कुछ भी चाहिए आप उनको फोन करोगे कि भैया हमको ये चाहिए अच्छा सर मैं आपको एक स्कैनर भेज रहा हूं आप स्कैनर वो पहले पेमेंट फिर डिलीवरी होगी क्योंकि हमारा छोटू जाएगा आपको लेके आएगा एड्रेस ढूंढेगा पहले पेमेंट और फिर आपको डिलीवरी हो जाएगी अब वो पेमेंट तो मंगवा लेते हैं वो स्कैनर फ्रॉड्स का होता है Okay. उस डिस्कवरी वाइन्स का होता भी नहीं है या लेक फॉरेस्ट लेकिन किसी का भी ओके okay. तो इस तरह से भी काफी फ्रॉड चल रहा है तो इससे कैसे बचे अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो, तो

जस्ट डायल पे कॉल करना है आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पे सबसे बेस्ट मार्बल मैन्युफैक्चरर कौन है जो मेरे को या फिर आपको ये पता लगाना है आप घर बना रहे हो आपको ये पता लगाना है कि मुझे सबसे बेस्ट टाइल्स कौन प्रोवाइड करा के देगा आपने जैकआर टाइल्स को फोन मिला फ़ोन कर दिया जैकवा टाइल्स को फ़ोन करके आप वो कर रहे हो क्या मालूम वो टोल फ्री नंबर वन एट जीरो ज़ीरो वन एट जीरो जीरो सिक्स फोर सिक्स फोर कुछ भी लगा लो वन एट जीरो वन कर देंगे उसको आप आप सोचोगे कि मैं जेक्वा टाइल्स को फोन कर रहा हूँ फोन जा रहा है कहीं और और इस तरह से भी करके आपकी इन्फॉर्मेशन निकलवा के बिल्कुल पॉसिबल है और करते भी है लोग और काफी अच्छा खासा पैसा निकलवाया जाता है देखिए हर तरह का ना एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स है साइबर फ्रॉड्स के अपने अपने मायने हैं अब मेवात इज अ प्लेस इन हरियाणा मेवात साइड अलग ही तरह का काम होता है मेवात साइड ओ फ्रॉड होता है जैसे ओ के थ्रू आपको गाड़ी है आपको गाड़ी बेचनी है आपको गाड़ी बेचना है आपको फ़ोन करेंगे वहाँ से हाँ जी सर ओ एल एक्सपे गाड़ी देखा था आपका आपको पसंद हमको पसंद आया आ, कितने बेच रहे हो भाई ठीक है ह्यंडा ही भरना है मैं इसको तीन लाख में बेच रहा हूँ सर कोई बात नहीं कंडीशन अच्छी है ना कोई बात नहीं हम ढाई लाख में भी ले लेंगे दे विल एलोर यू राइट कि सर लेकिन आपको आना पड़ेगा डिलीवरी देने देखो मैं नहीं आ रहा मेरे घर में बच्चा बीमार है ये वो फलाना दी कुछ भी लगाएंगे वो अपने आप जाओगे उधर पैसे वैसे तो गए आप भी आ जाओ तो अच्छी बात है पैसे वैसे तो गए वो गाड़ी भी रख लेते हैं कई बार बंदे को भी रख लेते हैं अच्छा हाँ इस तरह के वो सारे किए जाते हैं ओके। अब वहां से स्पेशली कई तरह के कोल मेवात साइड से आते हैं उसको बोलते हैं पहचान कौन फोन अच्छा वो आपसे आपका घर का कोई सदस्य बन के बात करेंगे या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त जैसे आप आपने बताया ना कि एक दोस्त का बहुत पहले से था और उसका फोन आया इस टाइप से आपको ऐसा फोन करेंगे एक बार क्या हुआ एक्चुअली वी आर ओविंग अ पेट्रोल pump. इन आई एम फ्रॉम रोहतक हरियाणा हाँ सो वी आर ओविंग अ पंप तो ज्यादातर डैडी संभालते हैं हम तो बाहर ही रहते हैं तो एक बार एक कॉल आया और पापा ने फोन उठाया एंड ई वॉज लाइक अरे तेजवीर कैसा है पापा बोले बढ़िया हूँ जी पहचान है नहीं कौन बोला अरे मैं तेरा चाचा सतीश बोला चाचा सतीश कौन बोला अरे भूल गया काफी टाइम हो गया दस एक साल हो गए मिले यार कैसा है तू बोला चाचा जी मैं ठीक हूँ आप कौन इस टाइप से बोला बस और सारी बातें मैं बाद में बताऊँगा अभी है ना कहीं पर फंस गया हूँ मुझे है ना फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ चाहिए पहले छोटी रकम मांगते हैं ये मुझे फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ चाहिए पापा बोले ठीक है जी कोई बात नहीं वो तो हो जाएगा लेकिन चाचा पहचाने को नहीं मतलब कौन कैसे बोला वो सब बातें बाद में करेंगे यार तू अभी एक बार वो कर दे मैं अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ और मैं तुम्हारे मतलब मेरे दादाजी को भी जानता था और ऐसे ऐसे करके मैं थोड़ी थोड़ी देर में तेरे को एक दो दिन में वापस कर दूंगा पापा बोले ऐसा है आप है ना पंप पे आ जाओ और कैश ले जाओ बोला आप पंप पे आ जाओ और कैश ले जाओ कोई बात नहीं मिल भी लेंगे नहीं आ सकता पापा ने उनकी आवाज पहचान ली दोबारा कॉल आ रहा है उस बंदे का कन्फर्मेशन के लिए कि आए नहीं पैसे अभी तक अच्छा पापा ने जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए बी 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 मैं बोल नहीं सकता अभी तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं तो पहचान कौन फोन जो है वो स्पेशली मेवात एरिया से आते हैं बंगाल बेंग, एरिया से झारखंड एरिया से या आपको किसी देश के अन्य किसी प्रांत से ऐसे कॉल नहीं आएंगे तो हर तरह के अपने अपने लैंडमार्क फिक्स हैं लोगों के अच्छा। उसूलों वाले बंदे हैं अच्छा। साइबर फ्रॉड अच्छा। अच्छा। किसी के उसमें ऐसे टांग नहीं है इसमें है कौन एटीएम फ्रॉड करेगा कौन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करेगा कौन ऑनलाइन स्कैम्स करेगा कौन आपका Uh, जैसे एक uh, आजकल ये बड़ा चल रहा है जो कि आप अपने स्टूडियो सेटअप और इन सब के लिए भी यूज करते हो एनी डेस्क वगैरह एड है ना क्विक रिस्पॉन्स ये सब है इसमें क्या होता है कि आप एनी डेस्क पे आपको एक कोड आता है मुझे आपके फोन में कुछ मुझे आपके लैपटॉप पे कुछ काम करना है आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है जो कि बहुत सारे एम्प्लॉयज में होता है जो कि बहुत आईटी फॉर्म्स में जनरली तौर पे होता है कुछ जो बड़ी आईटी फर्म्स हैं वो सॉफ्टवेयर से लेकर आई हैं तो उस उसमें थोड़ा सेफ रहता है लेकिन जो छोटी आईटी टी फॉर्म्स है वो नहीं ला पाती बिकॉज वो लैग्स का आता है काफ़ी तो उसमें क्या करते हैं आप एनी डेस्क पे आपके पास एक कोड आएगा मैंने आपके कोड भेजा आपके पास आएगा आप उस कोड को भरोगे तो मेरे पास पूरे का पूरा लैपटॉप का एक्सेस आ जाएगा उसके बाद सर अगर आपका ध्यान इधर से उधर थोड़ा बहुत भी हुआ डू यू नो दैट हाउ मच हार्म कैन आई कैन आई मेक और ऐसा करते भी हैं वो आपको कोई पेमेंट उलझ गई या कुछ नहीं आया ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है या फिर आप कुछ और काम कर रहे हो आप दो मिनट के लिए पानी पीने चले गए वॉशरूम चले गए कुछ भी तभी मेरे पास तो पूरा एक्सेस है ना और लोग इस तरह का फायदा उठाते हैं तो हमें इस तरह की चीजों से भी बचना चाहिए और इनके प्रॉपर एक्सपर्टीज है जो बैठे हुए हैं ये सब काम करते हैं ओके okay. पूरी टीम रहती है लोग पूरी टीम रहती है और टेंथ पास भी नहीं है वो बच्चे अच्छा उनका दिमाग देखो कितना तो लोग इसमें कैसे घुस जाते हैं मतलब कहाँ से प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती है मैं एक्चुअली यूट्यूब पे देखता हूँ कई सारे वीडियोस होते हैं जहाँ पे ना वो पूरा ये लोग का ऐसा पूरा ऑफिस पूरी बनी हुई रहती है जहाँ प्रॉपर विथ नेम एंड एवरीथिंग सिक्योरिटी गार्ड और ये लोग स्कैम कर रहे होते हैं आउटसाइड इंडिया वाले मैक्सिमम ये लोग फॉरेनर्स को स्कैम करते हैं फॉरेनर्स को स्कैम करते, है। करते हैं सर देखिए होता है पूरा एक स्ट्रक्चर तरीके से चलते हैं वो वो कॉल सेंटर्स में भी किया जाता है कॉल सेंटर्स में हाँ हाँ तो ये जो आप यूएस और ये सब ऑस्ट्रेलिया और ये सब बता रहे हो ये जनरली काम कॉल सेंटर्स के थ्रू होते हैं ये मेवात एरिया झारखंड एरिया ये सब नहीं है इनकी एक्सपर्टीज अलग है ये अलग तरीके से जाते हैं बिकॉज इंग्लिश बोलनी पड़ेगी ना हाँ हमको नहीं आती बेचारों को हाँ। तो उस तरह से आपका अमेजोन का पार्सल आ रहा है आपको कैलिफोर्निया uh, में फोन कर दिया उनका कोई पार्सल अटका हुआ था कॉल सेंटर वालों को पता होता है डेटा आ जाता है सब डेटा का खेल है सर सब डेटा चलता है डेटा आ गया उनके पास अमेजोन का कोई चीज है वो नहीं आ पा रही है तो उन्होंने क्या किया उनसे उस कंसर्ट कैलिफोर्निया के उस कंसर्न बंदे को कॉल करके उस तरह से वो ऑनलाइन ठगी भी करते हैं पकड़े भी जाते हैं अच्छे खासे लेवल पे पकड़े जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास हर कॉल का रिकॉर्ड और हर कॉल का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तो इन लोग को सजा क्या होती है अगर ये पकड़े जाते तो इनकी सजा डिपेंड करता है कि उन्होंने क्राइम किस तरह का किया है अच्छा पहले तो बेल भी नहीं होती मिल सकता पहले तो बेल भी नहीं होती अच्छा और फिर मैक्सिमम सजा सर मैक्सिमम तो देखो डिपेंड करता है अगर कोई आपका यूट्यूब चैनल भी हैक कर देता है तो सर आईटी एक्ट के आईटी एक्ट जो है उसमें कई सारे ऐसे भी प्रोविजंस हैं जहां पे आप पाँच करोड़ तक कंपनसेशन ग्र, ग्रांट करवा सकते हैं फाइव करोड़ तक का कंपनसेशन मिलता है क्योंकि सर इट्स नॉट इजी आप इतना बड़ा एक यूट्यूब चैनल चला रहे हो आपकी इतनी बड़ी टीम है आपका इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर है आपने इतना इन्वेस्ट कर रखा है आपके कैमराज लैक्स ऑफ रुपीज के हैं आपने इस पर इतनी मेहनत की है राइट right. आप उससे मॉनेटरी भी बेनिफिट uh, ले रहे हैं तो क्या इन सब चीजों का अंत क्या ऐसा होगा कि हैकर को एक साल की सजा और हजार रुपए जुर्माना नो no. ऐसा नहीं होता है आई टी एक्ट जब से रिफर्निश हुआ है रिफर्बिश हुआ है उन्होंने जो विक्टिम है उसके लिए काफी बहुत सारा कॉम्पनसेट करने के लिए वो लेके आए थे कई सारे रूल्स लेके आए okay. तो ये सब है सुन के अच्छा लग रहा है तो फिर हम क्यों आपका करियर को काफी साल हो गए आपके करियर में सबसे इंटरेस्टिंग केस अगर आपको बताना चाहो जिसमें बहुत देखिए सिर्फ साइबर के नहीं केसेस तो नॉर्मल बल्कि भी और जो भी आपका फेवरेट कोई केस होगा जिस वो फेवरेट केस तो सर अभी फिलहाल में वो चल ही रहा है एंड uh, वो पिछले अराउंड अराउंड एक साल से लापता है एक अच्छा। साल से भी ज़्यादा okay. लापता है और अभी रिसेंट में अभी इवन आई वॉज़ फ्लाइंग टू मुंबई तो मेरे को अभी रिसेंट में पता चला कि तीन चार दिन पहले एक उसके ही उसमें कॉल आया बेसिकली वो जो हस्बैंड वो जो हस्बैंड है हम तो ऐसे ही बात करते हैं अपने उसमें केस में द हस्बैंड ऑफ द पटिशनर हम इसी तरह से बात करते हैं तो वो वेस्ट बंगाल जा रहा था कोई काम से और वो बीच में ही जो भी किसी तरह का उनका बिजनेस बिजनेस था कुछ थ्री थ्री सी उसमें इन्वॉल्व था तो लेके जा रहा था और कैश पेमेंट कर रहे थे कर हाँ कर जो भी है उसमें इतना बारीकियों में तो मैं कैसे जाऊं और समझ रहा। तो क्या हुआ बीच में ही कोई आसाम की कोई पार्टी आई और उसको उठा ले गई एफ दर्ज हुई दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में वो भी मिसिंग रिपोर्ट अब वो उठाया जिसने है हम सबको पता है लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकते ऑन रिकॉर्ड नहीं बता सकते बट बत हम सबको पता है कि जैसा उसकी वाइफ जैसे पेटिशनर जो क्लेम कर रही है कि इनके मेरी बहन के हस्बैंड ने मतलब उनके साडू साहब ने उसको उठाया उनके बच्चों ने और कोई फैमिली मैटर चल रहा था इतने बड़े लेवल का और सर वो अभी तीन चार दिन पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया जैसा कि उसने उसकी जो पेटिशनर उसने मेरे को वीडियो भेजी उस वीडियो में क्लियर वो लड़का जो है जो किडनेपर है वो बाइक पे बैठ के बता रहा है कि जिंदा है और हमको सारी चीजें तो सर मैंने दो दिन पहले ही हाई कोर्ट में उसके लिए पटिशन डाला हैबियस कॉर्पस रिट कि कम से कम हमें ये हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी अगर आपकी की अगर आप हैबियस कॉर्पस की रिट पटीशन लगाते हैं तो आप उसको तो पुलिस की ड्यूटी बनती है उस बंदे को ढूंढ के लेके आना या तो बंदा कस्टडी में है या फिर नॉर्मल सर ये नॉर्मल केसेस में होता है अगर सपोज किसी अगर अगर किसी की लड़की भाग गई या गायब हो गई है या या, या लापता हो गई है नहीं मिल रही है कहीं पे कहां पे है तो ऐसे केस में आप हैवियस कॉर्पस की रिट पटीशन फाइल कर सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन 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 ऑनरेबल हाई कोर्ट ओनली ऑनलीस कॉर्पस की जो रिट पटी होती है वो रात के दो बजे भी आप फाइल कर सकते हैं उसके बाद क्या होता है

सर इंटरेस्टिंग तो देखो ऐसा है कि मैं तो हर केस को इंटरेस्टिंग मानता हूँ मतलब मेरा तो ये रहता है कि हर केस को बिल्कुल एंड तक जाकर अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलवाना तो मेरे लिए तो सर छोटा सा अगर वो कोई खैर अभी तो नहीं पहले तो जब स्टार्टिंग में मेरे करियर में स्टार्टिंग करियर में सुपरदारी uh, सुपरदारी के भी भी केसेस आते थे वो भी करते थे वो करते मतलब अगर थाने में किसी ने गाड़ी पकड़ ली तो गाड़ी थाने से छुड़वाने का भी एक अलग से प्रोसीजर रहती है ये, ये जो तो जैसा कि नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता ये ये है। ना मैं शेयर करना क्योंकि ये सब लोगों की कॉमन प्रॉब्लम होती है कभी ना कभी हम पकड़े जाते हैं तो अगर ऐसी टाइप में क्या करना चाहिए ऐसा कुछ क्विकली अगर बता सको तो अच्छा तो इसमें ये होता है कि सर एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरो और उसको कोर्ट में पेश करो कोर्ट में उसको अलाउ कर देते हैं फिर कंसर्न थाने में जाके आप उसको उस पर साइन एंड सील एंड स्टैंप होता है और आप अपना निकलवा सकते हो अच्छा जो गाड़ी लेके लेकर चला जाता है हाँ जो गाड़ी लेके चला जाए इंपाउंड हो जाती है जो भी है और भी सर कई सारे केसेज अभी रिसेंटली में एक केस था देर वॉज दिस अ पर्सन हु इज़ फ्रॉम अनदर कंट्री तो वो फेक पासपोर्ट के चक्कर में पकड़ा गया ही वॉज़ फ्लाइंग फ्राम इराक टू लंडन तो जैसे वो दिल्ली एयरपोर्ट एर, पहुंचा, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे उसको फर्जी पासपोर्ट के उसमें पकड़ा गया अब उससे पूछताछ हुई तो ही वॉज लाइक कि मुझे तो पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है इस टाइप से उसको उसको एक्चुअल में नहीं मालूम था कि उसकी उसमें गलती भी है क्योंकि वहां पे जो एजेंट बैठा था उसने उसका फर्जी पासपोर्ट बना दिया ओके okay. क्योंकि ऐसा होता भी है अपने भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो द, हाँ फेक पासपोर्ट करा के या डोंकी प्रोसेस के थ्रू या कैसे भी करके विदेश जाते हैं तो ऐसा ही उसने किसी एजेंट ने उसका फेक पासपोर्ट बना के कुछ वो कर दिया बट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट इसका पूरा गहन जांच अभियोग पूरा गहन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि उसको वाकई में कुछ नहीं पता था एंड दैट एजेंट वाज हेल्ड रिस्पांसिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट तो सर उसमें यह हुआ कि जब वो आया तो उसको कस्टम्स वालों ने और दिल्ली एयरपोर्ट पे उसने पकड़ लिया कि भाई ये तो फेक पासपोर्ट है अब वो वहाँ से टेक ऑफ था कर चुका था लेकिन जैसे यहाँ पे लैंड किया तो उसको वो पकड़ा गया अब उस केस में क्या हुआ कि जैसे उसको पकड़ा तो फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उसको एज ए खुफिया एजेंट के तौर पर उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए जब मैं उससे संपर्क में आया और मैं उससे जब तिहाड़ जेल मिलने गया तब वो रोने लगा और बोला कि सर मैं किसी मिशन पे नहीं आया हूँ मुझे तो पता भी नहीं है मेरे साथ हो क्या रहा है ये मेरे को कौन सी जेल कहाँ पे कैसे क्या है इन द मीन वाइलू उसके जब घर वालों से कनेक्ट हुआ तो उनकी मदर जो है वो फोर्थ स्टेज कैंसर पेशेंट शी वॉज़ हॉस्पिटाइज एंड शी वॉज लाइक सर मेरा बेटा तो पहली बार विदेश जा रहा था उसको तो पता भी नहीं था कि क्या कैसे पासपोर्ट क्लियरेंस और कैसे क्या होता है और सर कै कैसी मिशन और कैसी बातें कर रहे हो आप हमें तो पता ही नहीं तो फिर उसको कोर्ट से पहले बेल पर रिहा किया गया और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू एवरी ही वॉज क्वेश्चन फॉर आर्स जब ये हो चुका है कि हाँ ही वॉज़ ए स्पाई और कुछ नहीं था तब सर उसको रिहा किया गया तब उसको एफ आर आर ओ और उसके थ्रू उसको वापस भेजा गया तो ऐसे ऐसे केसेस हैंडल करते हैं तो सर कहीं ना कहीं देखो दिल को तसली तो मिलती है कि कोई कोई बेटा कम से कम अपनी माँ से तो मिलेगा hmm. और ये सारी चीज़ें ऐसे तो कई सारे ऐसे केसेस होते हैं ना जिसमें फेक 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 हो जाता है और फेक हाँ देखो फेक पासपोर्ट वो हमें हमें भी पता होता है सर कि किसकी कितना क्या गलती है क्या मैं मैं एक आई एम वेरी लॉडिंग सिटीजन एंड अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया क्या आपको किसी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लगता है कि मैं देश के साथ वो करूंगा मैं देश के साथ गद्दारी करूंगा अगर टेररिस्ट होता अगर स्पाई होता तो भाई अंदर डालो right. और लाइफ इम्प्रिजमेंट तो क्या शुड बी तो, मतलब जो भी है हाँ कैपिटल पनिशमेंट है कुछ भी है देश के साथ गजदारी मंजूर नहीं है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम चाहे उसके लिए हमको अपनी वकालत या किसी भी चीज को सेटा साइड कर देना चाहिए देश से बढ़ के क्या है सर बट ऐसे भी कई सारे केसेस होते हैं जिसके अंदर लाइक वो गुनागार जैसे आपने एग्जाम्पल दिया हो इराकी का वो नहीं था वॉज इनसेंट हाँ, हाँ, बट स्टिल उसको डाल दिया गया हाँ ऐसे और भी कोई केस है और भी केसेस होते हैं कोई ऐसे इंसिडेंट जहाँ केसेस होते हैं जो प्रॉपर अपने फेक पासपोर्ट बनवा के आते भी हैं नहीं मतलब कोई भी एक और ऐसा कोई केस है जिसमें आप लाइक मतलब इनोसेंट था वो बंदा लेकिन वो फेक केस पे अंदर पहुंच गया और फिर उसका केस लड़ा गया और आप उसको मतलब बचा लिया ऐसा कुछ एक केस था देर वॉज दिस पर्सन जो कि अपने यार दोस्तों के साथ इन्वॉल्व uh, था बट ही वॉज नॉट द ही वॉज नॉट दी क्रिमिनल ही वॉज नॉट द पर्सन हु स्टैप्ड हिम और अटैकड हिम लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पहली बात वो मौजूद नहीं था केस क्या था केस मतलब पहले आप केस बता दो केस क्या... तो uh, ऐसा था कि एक लव ट्रायंगल था हाँ तो एक अफेयर था और उसके सिलसिले में उसको दैट वॉज एंड द गर्ल वॉज अ मैरिड गर्ल तो उसका uh, एक्स्ट्रा मैरिटल था हाँ मैरिटल अफेयर था और उसके केस में वो था तो जो हजबेंड ऑफ द दैट गर्ल अटैक्ड हिम एंड स्टैप्ड हिम एंड किल्ड हिम द लवर तो उस केस में ही द uh, uh, मेरा जो क्लाइंट था ही वॉज ही वॉज नीदर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी ही वॉज नीदर प्रेजेंट देयर एट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ कमीशन ऑफ अ क्राइम फिर भी उसको जस्ट बिकॉज ही वॉज हिज रिलेटिव पुलिस उसको बिठा ले गई और ही वॉज बिहाइंड द बास फॉर फाइव ईयर्स हाँ तो ये था कि मतलब उसके ऊपर उसकी बेल्स हुई बेल्स रिजेक्ट कर दी गई क्या मालूम किसकी क्या कमी पेशी क्या इन्वेस्टिगेशन कैसा क्या उस चीज़ में तो देखो मैं बात नहीं करना चाहूंगा बट फाइनली सर उसको बेल ग्रांट हुआ तो वैसी चीजों में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि देखो ठीक है देखो नो वन इज अबव द लॉ अगर कहीं पे कोई गलत है या कुछ भी ऐसा गलत काम कर रहा है तो आप उसको सजा दो आप उसको पनिश करो हम ऐसे किसी का फेवर नहीं लेते बिकॉज वी बींग द लॉयर्स वी हैव द एक्सेस टू द जस्टिस बट जस्टिस भी तो है जज भी तो है वो भी तो देखते हैं वो भी तो अपने तरीके से काम करते हैं राइट right. तो ये सारी चीजें अच्छा अगर कोई किसी को कोई ऐसा थोड़ा बहुत लॉ के बारे में इंटरेस्ट रखता है तो आपके पास ऐसे कोई कोई बुक रिकमेंडेशन है कुछ है जो थोड़ा बहुत उसको आइडिया हो जाए बेसिक चीजों के बारे में लॉ के बारे में कोई ऐसी आपकी कोई फेवरेट बुक जो नॉर्मल लोग भी पढ़ सकते हैं लॉ के बारे में ऐसा कुछ है देखिए सर अभी लाइफ ऐसी हो गई है मैं कमेंट्रीज आईपीसी सीआरपीसी सी कॉन्स्टिट्यूशन एविडेंस इनसे बाहर ही नहीं निकल पाता हाँ। तो एज सच बुक्स या नॉवल्स इन सब का तो कोई आइडिया ही नहीं है मुझे, okay. लेकिन देखिए कोई भी फेवरेट बुक है हाँ ऐसे तो है जैसे बिफोर मेमरी फेट्स फाली नरिमन साहब की है बुक अपने जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं आप बाकी आप आजकल नेटफ्लिक्स और इन सब पे शोज बहुत सारे आते हैं आप आप वो सब देख सकते हैं अच्छा ये एक इंटरेस्टिंग था कि कई बार जो मूवीज़ और टीवी सीरीज में जैसा दिखाया जाता है कोर्ट को या फिर एडवोकेट्स को वो कोई ऐसा एक कोई मूवी का आप एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें बहुत ही ज्यादा मतलब कुछ भी बता रहा है और कोई ऐसी मूवी का एग्जाम्पल दे सकते हो जहाँ पे आप अप्रोक्सीमेटली सही है मतलब काइंड ऑफ काफी सही है देखिए लोकल कोर्ट्स का अगर मैं जिक्र करूँ ना तो प्रॉपर यूपी वाला जो सीन है ना वो चलता है सर आपका ना, ना हाँ। कोई नहीं बोलता हाँ। रिलीफ चाहिए ठीक है ना क्लाइंट की खुशी देखनी है जनाब तीन सौ पांच सौ रूपए मतलब इस तरह के भी डिपेंड्स ऑन द वो ये तो खैर मजाक की बातें है हम किसी की फीस के ऊपर फी के ऊपर क्यों हम वो कमेंट करें बट इतने छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े सारे तरह के काम जोली एल में प्रॉपर बकायदा अच्छे तरीके से दिखाया दिखाया गया अलग ही और रहता है अलग ही और रहता है बिल्कुल हाँ, यार वो है भी फिर जजेज है उनको एक रखना भी पड़ता है ना होता को, भी है तो ऐसी कोई मूवी है जिसके अंदर मतलब कुछ भी बताया जा रहा है आपको लगता है एडवोकेट के नाम जो आपको नहीं पसंद है बेसिकली आपका पर्सनल ओपिनियन ये वाली मूवी मजा नहीं आया देखिए जब अगर सीरियसनेस की बात करूँ तो जैसा अपने अमिताभ बच्चन जी ने जो पिंक मूवी में वो जो किया था वैसे भी सीरियसनेस कोर्ट में कई बार होती है इन मोस्ट ऑफ द ट्रायल्स ये होता है फनी सीन्स तो एक आधी बार देखो बिटवीन द बार एंड द बेंच थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है बट ज्यादा तो ऐसा सच नहीं नहीं कर सकते हाँ नहीं नहीं कर तो सकते सीरियस तो, टॉपिक ही चल रहा है वहाँ पर हाँ सीरियसली सर बिकॉज लोगों की जिंदगी जुड़ी होती right, है, obviously. है ना क्लाइंट जो होता है हम तो चलो बी बिंग द लॉयर्स हम तो रीडर साहब के साथ या किसी और के साथ चलो मजाक करके कुछ करके निकल भी जाएं लेकिन बेचारा जो हमारा क्लाइंट है जो इतनी होप्स के साथ हमारे पास आया है हम उसको कैसे नजरअंदाज करते हैं right, exactly. मैंने एक सीरीज देखी थी आ, सीरीज नहीं मूवी थी सेक्शन थ्री राइट सेक्शन 375 आपने देखी है अक्षय घन्ना की हाँ, देखिए इतना याद नहीं है बट देखिए वो काफी इंटरेस्टिंग मुझे हाँ। इंटरेस्टिंग लगी थी एक बार सीरीज थी नेटफ्लिक्स पे सीरीज है वो बुरारी केस करके उसमें बहुत मैंने देखा नहीं हूँ मुझे बहुत लोगों ने रिकमेंड किया लेकिन मैं, मैं थोड़ी डिस्टर्बिंग चीजों से ना दूर रखता हूँ अपने आपको हाँ, क्योंकि कई बार कैसा देखता हूँ दिमाग में वही चीजें चलते रहती है तो आपने भी शायद आपने देखा केस और वो उससे रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ रियल इंसिडेंट कोई रियल केस ऐसा कुछ हुआ है हाँ मैंने मैंने बुराड़ी बुराड़ी शो देखा तो था तो जैसे अंधविश्वास से रिलेटेड कई सारे ऐसी चीज़ें हैं और ऐसे केसेस बहुत नॉर्मली आते भी हैं पढ़े भी हैं बहुत सारे चीज़ें ऐसे देखे भी हैं ऑब्जर्व भी किए हैं कोई एक केस जो आप शेयर करना चाहोगे हाँ एक बार ये था कि देर वॉज दिस वुमेन उनकी उनकी जो बेसिकली uh, पुत्र भधु हैं बहू हैं उनको बेटा नहीं हो रहा था तो उन्होंने बताया कि जो उनकी बहू हैं उनकी जो बहन है वो उनके बेटे में अड़चन बन रही है ये कौन बताया

शी दैट कमीशन ऑफ क्राइम वॉज डन ऐसा हुआ और फिर उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री अब वो पता नहीं बेटा हुआ नहीं हुआ लेकिन हाँ अब वो चार्ज जरूर हुई उस चीज़ के लिए फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर ओके तो मर्डर कर दिया हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और कई बार ये भी होता है कि कई लोगों को मूवीज से बहुत कुछ गलत भी सीखते हैं मूवीज़ कई बार लोगों को इतने सारे आइडियाज़ देती है मैं एक बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमेशा कहता हूं कि सर ये मूवीज़ सॉन्ग्स और ये जितना भी सब कुछ है ना इन सबसे इतना इतना ज़्यादा जो वायलेंस है इतना ज़्यादा जो चीज़ों को पोर्ट्रे करके दिखाया जाता है इतने सारे नए नए आइडियाज़ दिए जाते हैं अभी रिसेंटली तिहाड़ जेल डेली में आ, कैदियों के बीच में गैंगस्टर्स थे उनके बीच में आपस में लड़ाई वड़ाई हुई स्पून होता है ना स्पून स्पून को इतनी बार उन्होंने पत्थर से छीला कि दैट बिकम दैट मच शार्प कि इट एक्ट्स लाइक एज एन वेपन और वो चाकू जितना शार्प हो गया था कम से कम 103 या 105 सौ पांच आई एम नॉट रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट फिगर इतनी ज्यादा बार उसको स्टैब किया गया उस बंदे को एंड ही वॉज डाइड बिहाइंड द बार्स ही वॉज किल्ड बिहाइंड बार्स बेसिकली इन द जेल और वो आइडियाज उनको कहां से मिले थे मूवीज से

तो हमारी जो यूथ जनरेशन है ना वो क्राइम को ऐसे लेने लग गई है कि उनको थोड़ा समझना चाहिए कि आप देखो क्राइम इज नथिंग बट जस्ट अ मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आप क्राइम तो कर बैठते हो लेकिन उसके बाद उसके जो रिप्रीशन है ना जो उसके एंड कॉन्स है वो आपको नहीं पता होते किसी भी घर का एक बेटा अगर अंदर जाता है किसी केस में ये लगा लो सर वो खाली एक बेटा नहीं पूरा का पूरा खानदान अंदर जाता है इतने सारे लोगों के इमोशंस लव अफेक्शन उस उस बच्चे उस लड़के से या जो भी एक कोई है बंदा उससे जुड़े होते हैं घर में लोगों के चूल्हा नहीं जलता सर hmm. ऐसे ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं right. क्योंकि जो अच्छे परिवारों से हैं जो कभी किसी ने ना चाहते हुए भी, भी कुछ क्राइम कर बैठते हैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दी मर्डर एंड डाउरी डेथ एंड ऑल दीज काइंड ऑफ क्राइम्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द करप्शन चार्जेस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल अदर क्राइम्स विच आर नॉट दैट हीनस इन नेचर बट क्राइम तो क्राइम है छोटा मोटा बड़ा जो भी है इफ़ यू आर गोइंग बिहाइंड द बार्स तो उसमें लोगों की इतनी सारी जो अफेक्शन और वो सब लोग जो लोगों का जो जुड़ा होता है तो ये लगा लो एवरी वन इज़ अफेक्टेड बाई दैट ये एक चीज बहुत अच्छा है इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये मतलब लोगों को समझना चाहिए वैसे समझ नहीं पाते कई बार क्राइम कोई एक इंसान करता है लेकिन उसका जो होता है ना कि प्रॉब्लम जो पूरे फैमिली पुरे को फेस करनी पड़ती है मतलब, मतलब सोसाइटी जज करती होगी उन लोग के साथ अलग तरीके से बिहेव करती है जो चीज़ नहीं होनी चाहिए बट कहीं कही ना कहीं ये चीज़ होता है इसीलिए आई थिंक सबको क्राइम से दूर रहना चाहिए दूर ठीक बात और उससे भी बड़ी बात आज की जो जैसे युवा जनरेशन है वो इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों से इतना फैसिनेट होती है ना कि जैसे लॉरेंस बिश्नोई ये एक जाने माने डॉन है अभी रिसेंटली अपना सलमान खान को भी जेल के अंदर से ही धमकी दिए जेल के अंदर से लाइव भी आए तो उन लोगों की लाइजनिंग जो है ना वो अलग ही है लेकिन आजकल के जैसे बच्चे जो हैं छोटे छोटे बच्चे अठारह साल बीस साल के बच्चे जो क्राइम करते हैं उनको वो फिल्मों से या फिर ये जो गॉड फादर्स होते हैं इनके या इन लोगों से इतना सब कुछ सीखते हैं और उन जैसा बनना चाहते हैं जो कि कई बार क्या होता है कि जैसे एक बीस साल का बच्चा है अब उसने कोई क्राइम कर दिया एंड ही वॉन्टेड टू बिकम अ गैंगस्टर और इस टाइप से और उसने कोई क्राइम कर दिया तो एक बार वो पुलिस की नजरों में आ जाता है ना तो फिर वो रहता ही है बीस साल का लड़का बालक बुद्धि होता है ठीक है अब या तो पे, हाँ में, मेंटर्स मिल जाएंगे या तो अगर मैं कहूँ मार्गदर्शक वो मिल जाएंगे बेल पे बाहर आएगा सपोज पेरोल पे बाहर आया परलो पे बाहर आया तो आके वो फिर से क्राइम करेगा और कई बार क्या होता है कि उसके ऊपर इतने चार्जेस लग जाते हैं कि उसको ये लगा लो फिर उसकी पूरी जवानी जेल में ही जाती है और जब जो सबसे एसेंशियल पार्ट होता है बीस से चालीस साल का जो कि आपके पूरा लाइफ बिल्डिंग रहता है राइट कि आपकी आगे की लाइफ कैसे होने वाली है आपकी फैमिली की लाइफ कैसे होने वाली है क्योंकि आपका पूरा जवानी का टाइम उसमें निकल जाता है अब वो स्पेसिफिक टाइम अगर आप जेल में गुजार दोगे तो 40 के बाद इकतालीस ऐसा तो है नहीं कि इकतालीस के बाद सुधर जाएगा फिर वो जब वो एक वो राह एक वो फील्ड जो चुन लेता है तो फिर वो उसी रास्ते पे जाता है और उसी चीज को अपनी मंजिल मानता है तो ये चीज है सो so, अभी जैसे कि मैं एक कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ मैं देखता हूँ कई सारे लोगों के हो रहे हैं जिस जैसे ही आपकी फॉलोइंग इंस्टाग्राम स्पेशली इंस्टाग्राम पे मैंने देखा बहुत बार होता है कि आपकी फॉलोइंग बढ़ती है आपका कोई भी वीडियो वायरल होता है ना उसी कुछ टाइम पे ना वो लोग एक फेक आई बनाते हैं सेम मेरे नाम एकदम डिट्टो मेरे जैसे बना लेते हैं मे बी कुछ ऐप होता है क्या होता है आई डोंट नो फॉलोअर्स भी आ जाते हैं और वो फॉलोअर्स से वो जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको मैसेज करना स्टार्ट करते हैं कि हाँ कैसे हो अब मेरे फॉलोअर्स को लगता है कि मैंने किया आई डोंट नो उनको लगता है कि हाँ मैंने शायद मैसेज किया तो वो लोग रिप्लाई करते हैं और फिर रिप्लाई करते हैं तो लोग का बायदादा एक टैंपलेट बना हुआ रहता है

कई बार आप नहीं आप लोग नहीं लेते हो सर हमेशा स्टेप लेना चाहिए हमेशा उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए पुलिस में ओके okay. जब तक आप लोगों को सबक नहीं सिखाओगे सर लोग आपको ऐसे ही करते रहेंगे हुँ. मेरा ऐसा मानना है okay. ठीक है अभी रिसेंटली कई बार क्या होता है आपको चलो ये तो आप फैन पेजेस की बात कर रहे हो हुँ. लोग आप लोग आपके बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इतना फैल, ज्यादा फैला देते हैं कुछ भी अभी रिसेंटली अभी आया था सिल्वेस्टर सेलोन डाइडे रेम्बो सिल्वेस्टर सेलोन डाइड अभी रिसेंट में ये आया कि अभिषेक बच्चन की जो बेटी है आराध्या बच्चन कि अरेध्या इज बहुत ज्यादा बीमार हो गई हैं अरेध्या इज नो मोर इस टाइप से भी uh, लोगों की चीजें आने लगे इस केस में क्या होता है जनरली लोग क्या करते हैं कि एक डिफेमेशन सूट फाइल कर देते हैं या इस टाइप से होता है बट उससे भी उससे भी बढ़िया तरीका होता है कि आप गो फॉर इंटरिम परमानेंट इंजंक्शन अच्छा जैसे ही आपके खिलाफ किसी ने कुछ डाला सीधा कोर्ट में जाओ और एक इंटरिम परमानेंट इंजंक्शन का सूट फाइल कर दो ओके okay. परमानेंटली इंजेक्ट हो जाएगा सूट वहीं के वहीं पे जो भी आपके खिलाफ किसी ने भी कुछ डाला है तो उसको वहीं के वहीं पे उसको चीज़ को रोकना पड़ेगा केस चलता रहेगा बाद में डिफेमेशन दैट इज कंपैरेटिवली स्पीडियर देन द डिफेमेशन प्रोसेस अब डिफेमेशन के सर रूल्स में अगर मैं आपको जाऊँगा तो शायद दो घंटे लग जाएंगे वो बहुत वाइड है लेकिन आप सबसे आप सबसे पहले उस चीज़ को टैकल करो ना जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो हमें ऐसा करना चाहिए अब YouTube पे कई बार ये भी देखा है मैं अभी पीछे से एक टसल भी था कि कैरी मिनाती ने कुछ बोल दिया और ये सब हो गया किसी के खिलाफ बोला और ओपनली आके रोस्ट भी करते हैं देखिए जो गलत है वो गलत तो है उसके खिलाफ एक्शन तो लेना चाहिए चाहे वो कोई भी हो okay. है ना तो ये रोस्टिंग ये सब जो करते हैं वो कोई कुछ मतलब कैसे है वो कहाँ पे आता है वो डिफॉर्मेशन में सब इसमें आ सकता है बिल्कुल आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो आप अपना इंटरिम वो लगाओ इंजेक्शन लगाओ उस चीज़ पे कि आज किसी भी कंसर्न पर किसी भी बंदे ने अपने चैनल पे आके किसी के खिलाफ कुछ बोला चाहे वो कोई भी हो चाहे वो फ़ौरन का कोई हो आप उसको ये इंजंक्ट करवा आप उस वीडियो को इंजेंशन का वो डालो और उसको वहीं पे तुरंत पर तुरंत प्रभाव से उसको बंद कराओ तो ये होता है जी अभी एक रैपिड फायर करता है ठीक है भाई ठीक है जी कोई कोर्ट रूम का मोमेंट जो आपको याद है कोर्ट रूम का मेमोरेबल मोमेंट सीरियस बताऊँ जो आपको सबसे ज़्यादा याद है अच्छे से <laughs> एक बार क्या हुआ एक डिवोर्स का मैटर था बेसिकली और मेट्रीमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था उनका डिवोर्स का मैटर था क्लाइंट पीछे खड़ा है ठीक है अब जो दूसरे वाली पार्टी थी आई वॉज रिप्रेजेंटिंग द हजबेंड एंड जो वाइफ थी उनकी जो डिवोर्स ग्रांट करवा जो डिवोर्स चाह रही थी दोनों ही चाह रहे थे वैसे तो वो उस डेट पे विदाउट प्रायर नोटिस वो कुछ फोटोज ले आई दैट दिस हजब इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद एल्स एंड शी लेजिट केम विद द फोटोज और वो उस लेडी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से स्क्रीन शॉट लेके लेके आ गई अच्छा अब वो उसने हमको भी कोई प्रायर इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दिया और सीधा जज साहब के सामने कि फोटोज है आई आई हैड ऑब्जेक्टेड कि सर व्हाट इज दिस ऐसे कैसे हो सकता है एंड शी जज वाज लाइक कि ठीक है मुझे दिखाओ एंड द फोटोजर लिटल बिट इंटीमेसी टाइप के फोटोज थे उनके और भरी कोर्ट में उन्होंने ऐसे वो कर दिया अब जज साहब ने पूछा उससे हम फिर जज साहब ने सीधा हस्बैंड को ही क्वेश्चन किया हाँ ah, जी वट इज दिस ये क्या है बोला hmm. सर ये तो बोला कौन है ये बोला सर ये दोस्त की, दोस्त की बहन है दोस्त की बहन है दोस्त की बहन तुम्हारी बहन नहीं है वो इतना घबरा गया बोला नहीं सर जैसा दोस्त की बहन तुम्हारी बहन नहीं है बोला हाँ सर है सर आई <laughs> लाइक यार क्या कर दिया यार पूरा का पूरा केस भी वो कर दिया और तूने तो मतलब का भी नहीं यार मतलब क्या है यार मतलब मेरा तो ऐसा रहा मैं भाई तू बस निकल रहे यहां से जो भी है बाढ़ में गया तेरा केस बाढ़ में गया मैं <laughs> क्या और करवाएगा एडवोकेट बनने के बाद आपका पर्सपेक्टिव जस्टिस को लेके कैसे चेंज हुआ वी हैव द एक्सेस टू द जस्टिस हमें पता है कि हम किसी क्लाइंट को जेल से भी बाहर निकलवा सकते हैं हम उसको रिलीफ भी दिलवा सकते हैं कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है किसी कोई और प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करके आगे बैठ चुका है जैसे नॉर्मली क्या होता है आप यूपी झारखंड साइड जाओ आप कहीं बाहर चले गए हो वहाँ पे प्रॉपर्टी का कब्ज़ाना बहुत ज़्यादा होता है तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा है तो उसको प्रॉपर्टी कैसे वापस दिलानी है ये भी हमको तो सर जैसे हम एडवोकेट बने तो हमने जस्टिस को काफ़ी अब एक उस वे ऑफ जस्टिस टू डिलीवर टू द क्लाइंट को काफ़ी नज़दीक से पहचाना एक क्विक टिप टू स्टे ऑर्गेनाइज आपके पास बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई टिप है सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी एक फाइल बनाओ उस फाइल पे काम करो इंडेक्स से लेके, लेके आप लास्ट के हर तरह से पूरा पेज को गो थ्रू करो और जब भी आपकी कोई कभी भी कोई भी अपीयरेंस हो उससे एक रात पहले बैठ के पूरा पढ़ो सोलो प्रैक्टिस या टीम को सोलो प्रैक्टिस वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर फीलिंग एंड डिलीवरिंग अ क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट पावर एंड सेटिस्फैक्शन फेवरेट लीगल ड्रामा टीवी शो और मूवी सूट्स बिगेस्ट मिथ अबाउट लॉयर्स यूड लाइक टू डिबंक दैट इट टेक्स ईयर्स टू एस्टेब्लिश योर प्रैक्टिस इतना लेट नहीं होता है अगर आप मेहनत करोगे अगर आप बहुत अच्छे पेस पे हो ग्रोइंग हो तो आप बहुत जल्दी अपना करियर एस्टेब्लिश कर सकते हो अच्छा इससे रिलेटेड एक आया ये मूवीज़ में तो कई बार कुछ कुछ सीन होते हैं जहाँ पे बोलते हैं कि एक नॉर्मल इंसान भी लॉयर बन अपना केस खुद लड़ सकता है हाँ बिल्कुल ये होता है हाँ, और ये प्रैक्टिकली अगर होगा तो कर सकता है कर सकते हो बट उसको तो बहुत सारी चीजें नहीं पता ना जैसे कि आप बहुत सारी चीजें बोलते हैं ना अभी जैसे मैंने देखा था हाँ। उसमें वो खुद ही पंकज त्रिपाठी खुद ही लॉयर बन जाते हैं और वो आके बोलते हैं वो हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोलना चालू करते हैं तो वो ओवर रूल्ड ये सब चीजों का मतलब नहीं समझते तो ऐसे प्रॉब्लम होती होगी ना फिर तो ऐसा हो सकता है फिर नहीं अगर आपको पता है तो आप वो करो लेकिन आप किसी लॉयर को हायर कर लो ताकि तो जो आपका ड्राफ्टिंग या कोई जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बता दे यू वॉन्ट बिलीव आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा टू uh, थाउजेंड की बात है आई वॉज इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जैसा आप बता रहे हो कि अपना केस कोई खुद लड़ सकता है नहीं देर वॉज दिस बुजुर्ग कपल देर वॉज दिस ओल्ड ओल्ड एज कपल लेडी लेडी की एज होगी अराउंड सेवेंटी फाइव और वो भी सेवेंटी एट्स के आसपास होंगे एंड काफ़ी बुजुर्ग थे एंड दे केम इन द कोर्ट फॉर अ डिवोर्स पटिशन अच्छा और जैसे आपके चेहरे पे ऐसे वैसे भी मैं, I was like, मैं क्या यार अभी अभी इस उम्र में दोनों 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 अपने हाँ। उसमें आए हुए और दोनों वहाँ पे आके पोडियम के सामने एकदम से जस साहब ये ऐसे नहीं करता ये ऐसे नहीं ये ऐसे नहीं करती ये वो करती है इस टाइप से जस साहब ने चश्मा निकालाइक <laughs> like, माता जी कहा जाओगी इस उम्र में <laughs> मैं चाहे कहीं पे भी जाऊंग इसके पास नहीं रहूंगी अब के like, judge सारे efforts were in vain, तो he was like, कि चलो एक नेक्स्ट डेट दे देते हैं एक 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 मौका और देते हैं आप थोड़ा सा और टाइम लो और वो करो लाइक नेक्स्ट डेट दे दिया उनको उसके बाद का तो नहीं पता मेरे को हाँ। तो ऐसे ऐसे भी केसेस आते हैं हाउ डू यू हैंडल डिफिकल्ट अपोजिशन काउंसिल इन अ रिस्पेक्टफुल वे देखिए मैं मेहनत मेहनती आदमी की कदर करता हूं दुश्मन को कभी कमजोर नहीं मेहनत आदमी की मैं वाकई में मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं अगर उसको ज्यादा पता है तो मुझे उससे सीखना चाहिए कि उसको कैसे क्या है, है ना टू ग्रो पेन या पेपर या डिजिटल नोट टेकिंग पेन पेपर इज स्टिल गुड योर बेस्ट पंप अप सॉन्ग दैट यू लिसन सॉन्ग तो नहीं है लेकिन हाँ जब भी कुछ ऐसे उसमें जाता हूँ तो बोलता हूँ खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है थीम हॉबी और इंटरेस्ट यू एंजॉय आउट साइड ऑफ वर्क रनिंग वगैरह करना पसंद है स्पोर्ट्स वगैरह ठीक है एथलीट हूँ लैंडमार्क केवरी लॉ स्टूडेंट शुड स्टडी ये स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया आपका राइट टू प्राइवेसी इसमें आया था अ लीगल टर्म दैट एवरी वन शुड नो नैबोडेबेट बिस्ारी प्रो यूनो you know, इटीडम कोजा ठीक है नो पर्सन शेल बी हेल्प ट्वाइस फॉर द सेम ओपेंस आर्टिकल ट्वेंटी सबको टू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आप एक डबल जियो का रूल था कि आप एक सिंगल ऑफेंस के लिए दो बार जेल में नहीं जाएंगे okay. पता होना चाहिए सबको ओके फेवरेट लीगल टर्म और लैटिन फ्रेज डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स अब छोड़ो अब इन सब में जाओगे तो फिर <laughs> है ना इग्नोरेंस या यान एक्सक्यूसेट इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नो वन अच्छा इफ यू आर इंड इंडियन सिटीजन आप आपको लॉ पता होना चाहिए आप कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके ये नहीं बोल सकते कि जज साहब मेरे को नहीं पता था ये लॉ था कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं अब बंदा उड़ा कनाडा से एंड ही सपोज मेरुना इनर पॉकेट अब कनाडा में मेरुआना लिगलाइज है अब वो जैसे डेली एयरपोर्ट पर लैंड करेगा कस्टमर आ जा भाई साइड में आ जा सर मेरे को तो मेरे को लगा कि यहां पे मेरुआना लिगलाइज होगा क्योंकि वहां पर भी वीड तो लिगलाइज था

के बारे में ऐसा थोड़ा बहुत यू शुड फॉलो वकालत ऑन यूट्यूब यही मतलब <laughs> follow करो आप जान हाँ, मेरा नया है, है, नया वकालत। ये नया है वकालत इसलिए चलाया सर मैंने हाँ. क्योंकि आम तौर पे जनता को कई बार नहीं पता पता होता हुँ. तो उस uh, basic information तक पहुंचने के लिए जरूरी वो होना चाहिए थीम पॉडकास्ट यू एंजॉय दी अरविंद अरोड़ा शो एंड यू शेर अमोरेबल कोर्टरूम फैशन चॉइस यू मेड सर हमारी तो ओनली ब्लैक एंड व्हाइट तो हमारी तो लाइफ ही ब्लैक एंड व्हाइट हो गई <laughs> पूरा पूरा दिन वही पहनना पड़ता है ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट एंड ऑल ओके हाँ लेडीज़ के लिए होता है कि दे कैन दे हैव टू वियर ब्लैक एंड व्हाइट ओनली बट यस सूट एंड ऑल अब आप इसके टेक्निकल उसमें जाओगे तो जब आप सीनियर एडवोकेट बन जाते हैं तब आप यू कैन वियर व्हाइट पैंट आपका कोट जो आपका ब्लेजर जो है वो एक डिफरेंट उसका डिफरेंट uh, उसका स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट तरीके से उसको सिला जाता है एक सीनियर एडवोकेट की अलग ही ड्रेस कोड है जूनियर एडवोकेट्स की अलग है लेकिन हाँ कई बार ये होता है कि कोर्ट uh, के डेकोरम को मेंटेन करने के लिए क्लाइंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि वो कोर्ट में एक स्पेसिफिक एक एक डिसेंट कपड़े पहन के जाएँ hmm. मैं आपको कोर्ट का नाम या फिर आपको स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का नाम तो नहीं बताऊँगा बट ऐसा भी केस हुआ है देर वॉज अ क्लाइंट हु शी वॉज अ गर्ल एंड शी वोर शॉर्ट्स वो शॉर्ट्स पहन के कोर्ट रूम की प्रोसीडिंग्स में चली गई

हाँ ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था आता बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। मुझे भी अभी भी क्लियर नहीं है लॉयर एडवोकेट और ऐसे अलग अलग होते हैं टर्म्स वो अलग अलग टर्म्स किसके किसके देखिए लॉयर तो वो होता है वन हू स्टडीज लॉ जैसे ही आप किसी भी यूजीसी नेट यूजीसी वेरीफाइड यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं आप लॉयर बन जाते हैं अच्छा ओके okay. फिर उसके बाद जैसे ही आप लॉ लॉ की डिग्री कर लेते हैं और आप एक ऑल इंडिया बार एग्जाम आपको देना होता है या फिर आप स्टेट आई ले लेते हैं एंड वेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन लॉ देन यू बिकम एन एडवोकेट आप एडवोकेट फिफ्थ ईयर लॉ स्टूडेंट को आप एडवोकेट नहीं कह सकते एडवोकेट जब आपके पास बार लाइसेंस है उसके बाद ही आप एडवोकेट बनते हैं एंड वेन यू हैव स्टडीड योर लॉ फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम यूके देन यू बिकम एन बैरिस्टर बैरिस्टर एंड लॉयर कैन नॉट रिप्रेजेंट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ ओनली एन एडवोकेट कैन रिप्रेजेंट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ यही था ना कि हाई कोर्ट कुछ लोग सिर्फ हाई कोर्ट में कर सकते हैं कुछ लोग सुप्रीम नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, कोई भी नहीं।, नहीं। जब आपके पास ए आई बी आपका क्लियर है और आपके पास बार लाइसेंस है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबोर्डिनेट कोर्ट हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक ए आर होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो आप फाइव इस की प्रैक्टिस के बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ता है उसके बाद आप अपने नाम से वकालतनामा फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अदरवाइज नहीं कर सकते जो ए नहीं होते हैं वो नहीं कर सकते हैं। जो ए होते हैं वही अपने नाम पर वकालतनामा फाइल कर सकते हैं हाईकोर्ट में कोई भी कर सकता है इफ़ यू आ रजिस्टर्ड मेंबर इसमें भी अलग अलग और और भी कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि हम लोग का भी कुछ तो केस चल रहा था प्रॉपर्टी का तो उसमें क्लोजिंग uh, के लिए आपको कोई दूसरा टाइप का लॉयर चाहिए होता है जो मतलब फाइनल स्टेटमेंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं पब्लिक पीपी साहब होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ओके वॉट्स योर अल्टीमेट गोल एज एन एडवोकेट

इस प्रोफेशन में एक ट्रांसपेरेंसी क्लाइंट्स के साथ नहीं रखते लोग पोल्सॉप्स बहुत देते हैं वो नहीं करना चाहिए कई बार ये चीज़ मैंने देखी है लेकिन इसको हमको लोगों को समझना चाहिए कि ये प्रोफेशन के अगेंस्ट भी है क्योंकि हमें एक लीगल प्रोफेशन एंड एथिक्स हमारा एक सब्जेक्ट भी आता है वो हमको पढ़ाया भी जाता है और उस चीज़ों को लोगों को सीरियसली लेना चाहिए जो हमारी यंगर जनरेशन जो यहाँ पे आ रही है जो अपना करियर परसू करने के लिए लॉ में इससे नोबल प्रोफेशन दुनिया में कोई नहीं है लेकिन बशर्ते आपके सेट ऑफ़ रूल्स स्टैंडर्ड्स एंड आपके एथिक्स वही आपको आगे लेके जाएंगे और वही आपको एक बड़ा एडवोकेट बनाएंगे एक बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आप एज ए लॉयर किसी भी इंसान को दे सकते हो देखिए बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस तो यही है कि सबसे पहले तो एक आदमी में ज़ीरो ईगो होना चाहिए ईगो नहीं होना चाहिए अगर आप में ज़ीरो ईगो हुआ अब मैं सिंबैसेस लॉ स्कूल पुणे से पढ़ा लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं लोग हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं एल से पढ़ के आते हैं उनको भी बिल्कुल जो माइन्यूट तरह का काम होता है जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल का काम होता है वो भी आना चाहिए और करना भी चाहिए काम में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए तो ये एज एडवोकेट मैं किसी भी नॉर्मल आदमी किसी भी आदमी को दे रहा हूं पेशेंस उससे भी जरूरी होता है पेशेंस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए यू कहते हैं ना इफ इफ यू हैव अ मिलियन डॉलर प्लान इन योर माइंड देन डोंट सराउंड योर सेल्फ विथ टेन सेंट थिंग्स अगर आप में पेशेंस है तो टेन सेंट्स का इकट्ठा कर करके भी जो आपका मिलियन डॉलर प्लान है वो एक दिन हंड्रेड परसेंट थाउजेंड परसेंट सक्सेसफुल होगा उसमें आप कामयाब होगे तो ये सारी चीजें आदमी को अपॉर्चुनिस्टिक opportunist, होना चाहिए जो भी एक सिस्टमेटिक अपॉर्चुनिटी है ना सर वो उसको आपको ग्रांट करनी चाहिए चाहे वो कैसे भी हो तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपके माध्यम से नॉर्मल लोगों को बताना चाहूंगा अब ये ना एक एक गेम खेलते हैं हाँ जी तो मैं क्विक क्विकली वर्ड बोलूंगा जैसे कि फॉर एग्जांपल बुक्स तो मेरे दिमाग में आ रहा है नॉलेज तो मैं नॉलेज बोल दिया ऐसी आपको फास्ट फास्ट बोलना है जो भी चीज आपके दिमाग में आती है क्विकली ठीक है ओके तो जस्टिस होना चाहिए एविडेंस आई रेड इट वर्ड इट और जज इज गिव इट बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेडिटेशन मैं नहीं करता यार करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इन इट लिटिगेशन आई एम गुड इट इट नेगोशिएशन यस आई डू एडवोकेट आई एम एथिक्स आई हैव क्रॉस एग्जामिनेशन आई हैव डन दैट है आई एम इंटरेस्टेड सक्सेस ब्यूटिफुल सोशल मीडिया आई यूज ए आई फ्यूचर विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम वेल्थ एवरी वन शुड मैं और uh, मेरी जो फ्यों से है हमारा कई कई बार तो लंच तिहाड़ जेल के बाहर रोहिणी जेल के बाहर या गुड़गांव जेल के बाहर मौसम अच्छा हुआ तो गाड़ी के बाहर बोनट पे अदरवाइज गाड़ी के अंदर बैठ के एसी चला के गाड़ी के अंदर बैठ के होता है तो हमारी तो डेट्स भी ऐसी होती हैं कि हम जेल विजिट पे या कोर्ट विजिट पे जा रहे हैं तो वही हमारी डेट्स होती हैं बेसिकली तो शी इज़ ऑल्सो एन एडवोकेट तो एडवोकेट्स की तो दिस इज़ देयर लाइफ ये जेल्स जैसा मूवीज ये सब में दिखाया जाता है वैसे ही होती है, ही ही है, exactly है।, वैसी है। बिल्कु, हमें बिल्कुल अंदर तो नहीं जाने दिया जाता है एडवोकेट्स को भी हाँ लेकिन करने के लिए प्रोग्राम तो जैसा दिखाया जाता है वैसा ही होता है इंडिया की सबसे बड़ी जेल कौन सी इंडिया की देखिए एज अ टर्म ऑफ उस पर तो बताऊँ लेकिन सेंट्रल जेल मुंबई यरवाड़ा जेल पुणे तिहाड़ जेल ये काफी बड़ी जेल है तो सबसे बड़े बड़े क्रिमिनल्स को कहाँ डालते हैं मतलब डिपेंड्स ऑन द क्राइम वेयर देवर डन तो अगर किसी ने मुंबई में क्राइम किया तो मुंबई में डालेंगे ऐसा मतलब पॉपुलर मतलब पॉपुलर तो तिहाड़ जेल का नाम बहुत सुनाई देता है ना ये मूवीज में लिया जाता है कि वो उसमें डाल दिया है तो ऐसा कुछ होता है जेल टू तो जेल भी फर्क पड़ता है क्या ऐसा कुछ होता है देखिए जेल में सबसे ज्यादा ध्यान उनको ये दिया जाता है पुलिस बेसिकली जेलर साहब ये ध्यान देते हैं कि वहां पे गैंग्स ना बने क्योंकि हर जेलर साहब यही चाहता है कि उसकी जेल में शांत माहौल हो कोई अपनी उसमें वो नहीं चाहते बिकॉज जवाबदेही तो हर किसी की हर किसी के प्रति बनती है तो वो उस चीज़ को पूरे एक सिस्टमेटिकली चलाते हैं और वैसे ही रहते हैं अभी थोड़ा एक थोड़ा शिफ्ट करके मनी पर्सपेक्टिव से बात करते हैं मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था जिसमें आप बात कर रहे थे तो एक एडवोकेट कैसे कैसे उसके सोर्सेज ऑफ़ रेवेन्यू क्या क्या होते हैं वो किस किस तरीके से पैसे कमा सकता है और कितना तक कमा सकता है देखिए सबसे बड़ी बात सबसे पहली बात बेसिकली एडवोकेट कभी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अपार्ट फ्रॉम एडवोकेसी नहीं खोल सकता इफ़ यू आर अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट तब आपको प्रैक्टिस ही करनी है लेकिन हमारे एडवोकेट्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी में बहुत सारे रूल्स ऐसे गिवन है जो ये बोलते हैं कि आप एडवोकेट हो और आप कुछ और काम नहीं कर सकते आप कोई बिजनेस कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कर सकते क्योंकि सिंस दिस इन इट्स इज ए नोबल प्रोफेशन बट येस जैसे आई मोन ऑथर ऑल्सो आई रिटर्न बुक्स तो उससे मेरा रॉयल्टी आता है बट एडवोकेट्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी में कभी नहीं लिखा कि आप आप बुक नहीं लिख सकते

प्रेजेंट नहीं होगे आप मेरे किसी भी मैटर में दूसरी ऑपोजिट काउंसिल नहीं बनोगे वो होती रिटेनरशिप फीस कई बार एंगेजमेंट फीस बहुत है जो आप लॉयर को एंगेज करने के जो फीस चार्ज करते हो कई कई लॉयर्स ऐसे होते हैं जैसे आई डोंट वांट टू नेम लेकिन जो 25 25 30 30 लाख एक सिंगल हेयरिंग के लेते हैं तो ऐसे भी लॉयर्स हैं हाईएस्ट आपको लगता है कितना अचीव किया जा सकता है लॉयर हाइएस्ट डिपेंड्स ऑन दी क्लाइंट्स वेल्थ एंड डिपेंड्स ऑन द केस एंड डिपेंड ऑन द लॉयर कि आप लॉयर किसको को हायर कर रहे हो अब सर ऐसे भी लॉयर्स हैं जो स्पेशली लंडन से लेके फ्लाइट लेके आते हैं डेली उनके यही होते हैं उनके उनके उनकी कंडीशन यही है उनकी फ़ी यही है कि आप हम आएंगे आपके लिए आप ट्वेंटी फाइव थर्टी फिफ्टी लैक्स जितना भी है पर हीरिंग का उतना चार्ज हमको आप हमारा इतना चार्ज रहेगा आप वो आओ हमें बिज़नेस क्लास के टिकट चाहिए आने जाने की दी होटल ललित या जे डब्ल्यू में हमें रूम चाहिए एंड अगर उस डेट पे हो गए हाँ, या नहीं आए हाँ, या साहब लंडन चले गए घूमने के लिए ठीक हाँ, <laughs> हाँ, है हाँ, तो हाँ, पैसा तो देना पड़ेगा तो आर देनी पड़ेगी क्लाइंट को राइट ऐसे भी केसेस हैं अच्छा मैंने इसे सुना था कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लोग जो होते एडवोकेट्स होते तो ये कितनी सच्चाई है क्या है ऐसा होता है कुछ देखिए सर एडवोकेट तो हर हर एडवोकेट पावरफुल है हाँ नहीं मतलब वो बोलते ना कि दे डोंट केयर अबाउट वो पुलिस से नहीं डरते पॉलिटिशियन से नहीं डरते ऐसा मतलब मैंने कोई तो वीडियो में ही देखा था कि उसके अंदर ऐसा आया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो नहीं ऐसा कुछ होता है ऐसा कुछ नहीं है हवा है दर, बस डरते तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लॉयर भी नहीं है नहीं डरते किससे ना जी ना सबका अपना वो रहता है क्योंकि आपको लॉ पता है ना तो आप लॉ ना हाँ डरता कोई नहीं है और क्यों डरे जब कुछ गलत नहीं किया तो क्यों क्यों डरे राइट है ना लेकिन हाँ कभी भी कानून को अपने हाथ में मतलब

हमारी यंगर जनरेशन इसमें इतनी ज़्यादा आने लग रही है एक साल में कम से कम आप ए के जो एग्जाम है ना, एक साल में कम से कम तीन से चार लाख लोग पास आउट होते हैं तो ये इतना ट्रेंडिंग प्रोफेशन है आज के दिन इतना ज़्यादा क्योंकि दे नो देर राइट्स दे नो कि हमें किस प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा पैसा है पावर है रिस्पेक्ट है वेल्थ है सब सब चीज़ें हैं इसमें राइट right. और फिर लॉयर होने के बाद भी प्रोफेशनली तो ये चीज़ कर रहे हो उसके साथ साथ आप ऑनलाइन भी आ रहे हो आप चैनल भी बनाया आपने कंटेंट भी बना वो कितना ज़रूरी है करना और वो क्यों आप कर रहे हो मतलब उसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि जो नॉर्मल लोग हैं जो जो सिटीजन्स हैं जो जो एडवोकेट्स नहीं है बेसिकली किसी भी फील्ड में है कैसे भी हैं हर बंदे को लॉ जानना बहुत ज़रूरी है और मेरा एक एवरी सिंगल आउंस ऑफ माई एफर्ट वुड बी लाइक कि एक मैं हर बंदे तक पहुँचूँ हर बंदे को कम से कम उसके अधिकार तो पता हूँ अगर आपको कोई अननेसेसरी रोकता है अगर आपको कोई अननेसेसरी क्वेश्चन करता है या आपके ऊपर कोई क्लेम करता है या आपके ऊपर उंगली उठाता है तो आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए कि यार यू आर डूइंग रॉन्ग इन दिस मुझे पता है और ये सा, ये सारी चीज़ें लोगों को आम जनता को नहीं पता होती तो इस तरह से अगर मैं एक हर बंदे के पास तक दिल तक पहुँचू हर बंदे तक पहुँचूँ तो ये मेरा एक एक एम है कि कोई भी बंदा अनएजुकेशन के कारण सफ़र ना करे मेरा भी इसमें ये ओपिनियन ना भाई कि मेरे हिसाब से ना आप प्रोफेशनली प्राइमरी लाइफ में आपने कुछ भी कर रहे हो आप लॉयर हो डॉक्टर हो कुछ आ, जो भी आप कर रहे हो बहुत अच्छा है मेरा ऐसा ओपिनियन कि सबको हर प्रोफेशनल को ना ऑनलाइन भी आना चाहिए ताकि वो अपना पर्सनल ब्रांड बना सके अपने आप को जो भी उनकी उनके पास जो नॉलेज है सब चीज़ें वो दे सके दूसरों को तो इसलिए मैं तो सब हमारे जो पूरा पॉडकास्ट ही है मैं यहाँ पे लोगों को ये इंकरेज करता हूँ कि आप प्राइमरी लाइफ में कुछ भी करो आप लॉयर बनो डॉक्टर बनो आप हाउस वाइफ हो कोई भी हो बट साथ में कॉन्टेंट भी जितना हो सकता है क्रिएट करने की कोशिश करो बिल्कुल बिकॉज वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छा पर्सनल ब्रांड और एक लेवल करने में हेल्प कर सकती है इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है देखिए जैसा एक आपने देखा उसके हर्षद मेहता जी हुए हैं वो एक बात बोलते थे बोला, जितना जितना ये स्टॉक मार्केट है जितना बड़ा है है बड़ा शेयर्स का जो पूरा वो समझ रहे हो ना सिर्फ अभी भी नाइन्टी नाइन परसेंट खाली है आप उसमें आओ इन्वेस्ट करो अभी आप लोग जितना भाई आप जितना वो यूज कर रहे हो ना नेट पूरा वर्ल्ड जितना नेट यूज कर रहा है वो सिर्फ वन परसेंट है इन परसेंट इज स्टिल वी हैव टू एक्सप्लोर इसी तरह से मैं बोलता हूं कि जितना भी आप कंटेंट क्रिएटर्स हैं आज के दिन पूरे वर्ल्ड में वो अभी वन परसेंट ही हैं सबको बनना चाहिए सबको आना चाहिए सबको ऑन एयर आना चाहिए सबको लाइव आना चाहिए सबको कुछ ना कुछ अपना हर बंदे के पास अपना एक ज्ञान होता है आदमी कितना बिजी ले कितना भी, भी सर्वज्ञानी हो जाए कितना भी ओमनिस हो जाए कितना भी सर्वज्ञानी कुछ भी हो जाए उसको सब कुछ नहीं पता हो सकता हर बंदे को हर किसी को किसी न किसी चीज़ पे किसी न किसी मेरे दादाजी स्वर्गीय चौधरी उदय सिंह नंबरदार वो एक बात बोलते थे बोला बेटा आदमी हरियाणी में बोलते थे थोड़ा लेमन लैंग्वेज में बोलूंगा बेटा बेटा आदमी मरने मर जाए लेकिन सीखता रह जाए पूरी उम्र सीखता रहता आदमी उसकी भले ही डेथ हो जाए लेकिन पूरी उम्र सीखता रहता है कभी भी आदमी को पूरी बात पूरा ज्ञान नहीं हो सकता लाइफ में इसलिए आप कंटेंट क्रिएटर से जितना ज़्यादा ज्ञान जितना ज़्यादा आप नॉलेज प्रोवाइड करा सकते हो ओपन वर्ल्ड को उतना कराओ जजेस बहुत कम है इंडिया में ये चीज़ कितनी अच्छा सच है और इससे रिलेड क्या ओपिनियन बढ़ना चाहिए कैसे बढ़ सकते हैं नहीं जजेस तो वाकई में बहुत कम है अभी अगर जजेस का पूरा अभी जैसे पेंडिंग केसेस की बात करूँ तो कम से कम पाँच करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग है और उन पर कुछ अराउंड अराउंड थर्टी थाउजेंड के आसपास जजेस होंगे इतना ज्यादा वर्क प्रेशर है जजेस के ऊपर हमारे पुलिस सिस्टम के ऊपर हमारी जुडिशरी के ऊपर कि यू वॉन्ट इवन बिलीव तो उन सब चीज़ों के लिए करने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा जजेस की नियुक्ति करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पुलिस वालों की वो करना चाहिए ताकि एक स्पीडी वे में काम हो सके क्योंकि मैं मैं यही नोटिस करता हूँ ना बहुत सारे जो छोटे मोटे केसेस होते हैं उस पर तो ध्यान दे ही नहीं पाते क्योंकि इतने बड़े बड़े केसे इतने बड़े, बड़े, बड़े केसेस पुलिस इतनी बड़ी बड़ी चीजों में लगी रहती है कि छोटा ये गलत काम करा इसको डंडा मारो भगाओ इसको तभी तो पेंडिंग केसेस पड़े रहते हैं क्योंकि बोले इतनी बड़ी बड़ी चीजें इधर पे मर्डर वर्डर चल रहा है इसके ये छोटे मोटी चीजें पे क्या हम लोग करते बैठे कितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो इसके लिए सोल्यूशन आपको क्या सोल्यूशन है कैसे मतलब खत्म देखिए हो अभी जो रिसेंट में जो लॉ आ रहा है ना जो हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह ने पास किया है उसमें यह है कि कोई भी केस कोई भी आ, केस जो है वो तीन साल से ऊपर नहीं चल सकता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो तीन साल के अंदर उनको काम करना ही करना है okay. लेकिन मैं आपके चैनल के मीडियम के थ्रू उनको ये जरूर बताना चाहूँगा कि वो तभी पॉसिबल है तब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की जुडिशरी में एंट्री।, वो एंट्री हो और अपने पुलिस सिस्टम में तब पॉसिबल है अदरवाइज तो सर पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा ना अब वहां पे बेचारा मर्डर मिस्ट्री या पता नहीं क्या क्या सोल्व कर रहा है इधर से केस आ गया उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया मेरे को घुसा मार दिया मेरे को थप्पड़ मार दिया अब वो इस उसपे काम करेगा या उस पर काम करेगा हाँ टाइम नहीं है ना उनके पास तो ये चीज़ें हैं तो वही है कि आज के दिन जो हमारी इसमें हमारी यंग जनरेशन बहुत अच्छी पढ़ी लिखी आने लग रही है यंग जनरेशन बहुत हेल्प भी कर रही है आप न्यू न्यू जजेस अपॉइंट करो आप उसका जो uh, जैसे फ़ाइव ईयर लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं उसके बाद वो जजेस का एग्जाम होता है जब आप सीधे डायरेक्ट सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकते हो वो सब करो नए लोग हमारे जुड़ी uh, एडवोकेसी में इतने सारे आने लग रहे हैं जो जो न्यू कमर्स हैं तो उनको तो मैं एज़ अ सीनियर देर सीनियर ब्रदर मैं यही बताना चाहूँगा कि फ़ील्ड में आओ मेहनत करो uh, सफ़र थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इसका फ्रूट बहुत मीठा है अब उसमें भी ये है कि जो न्यू जनरेशन आजकल सर जो हमारे जूनियर्स हैं वो इतना अच्छा करने लग रहे हैं आज की उसमें अब वो टिपिकल माइंडसेट जो कंज वो था ना पहले का कि जब तक पाँच दस साल तक आप नहीं करोगे प्रैक्टिस तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी मेरे से इनफैक्ट कई लोग पूछते हैं कि सर कैसे करें कि भैया क्या करें ये वो नहीं हो पा रहा है बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है हमारे लिए भी हुआ ऐसी बात नहीं है मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बिल्कुल दूध के दुले हुए हमने भी बहुत चीजें देखी और स्टिल देखो ये फील्ड तो ऐसी है कि स्ट्रगल आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा अगर आप स्ट्रगल करते रहोगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ये तो इस प्रोफेशन का मूल मंत्र आप आज से लिख के ले लो लेकिन हाँ जो हमारे न्यू जनरेशन जो लॉयर्स आ रहे हैं आप लोगों को लोग लोग आपको इतना डिमोटिवेट करेंगे आप खुद के ऊपर डाउट करने लग जाओगे कि यार नहीं चल रहा नहीं हो रहा ये हो रहा है कभी किसी महीने एक भी केस नहीं आया कभी किसी महीने आपको पांच सात केस आ गए तो ये फ्लो जो है ना लेकिन कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस आपको कभी हार नहीं देगा अगर आप मेहनत करते रहोगे तो एक दिन पक्का आपको सक्सेस मिलेगी और जब एक बार जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे देन फिर तो स्काई इज द लिमिट जितना ज़्यादा इस प्रोफेशन को डिग करोगे उतना ही ज़्यादा निखर के आओगे यही चीज़ मैं अपने छोटे भाई बहन जो मेरे आने वाले हैं टाइम पे उनको मैं बताना चाहूंगा और जो अभी अपने वन लॉ कॉलेजेस में जो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि यह नोबल प्रोफेशन का मजा और चस्का इतना अच्छा है कि अगर एक बार आप इसको चखोगे ना तो यू विल नॉट रिग्रेट इट ये आपको वहां लेके जाएगा जहां पे कोई और चीज़ नहीं लेके जा सकती कोई एक फाइनल पीस ऑफ मैसेज आप देना चाहोगे जस्ट टू एंड दिस बस यही है जिंदगी में आगे बढ़ो मेहनत करो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाओ और किसी भी चीज में कर गुजरने की एक हिम्मत क्षमता अपने अंदर रखो पॉजिटिव रहो माँ बाप से प्यार करो बड़ों का आदर करो और अपनी लाइफ अपने हिसाब से और खुशनुमा तरीके से जियो दिट्स वेरी नाइस बहुत अच्छा मैसेज था आई थिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सागर जी सारे links के सारे लिंक्स आप जाके वहाँ पर उनको फॉलो कर सकते हो भाई कॉन्टेंट भी बना रहे हैं लीगल चीज़ों से रिलेटेड चीजें बता रहे तो आप उन्हें जरूर फॉलो करना थैंक यू सो मच भाई अपना टाइम देने Thank के लिए प्रेशर टाइम बहुत अच्छा लगा लॉ से रिलेटेड काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चली अगर आपको और भी कोई कमेंट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालना हम ट्राई करेंगे आपको रिप्लाई करने का या फिर कभी और वापस से हम सागर भाई से मिलेंगे तो मैं उसका क्वेश्चन जरूर करूँगा आपके भी आप में थैंक यू सो मच भाई अपना टाइम देने के लिए इट अ प्लेजर थैंक यू जी